नमस्ते प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे ना? ऑल ऑफ यू आर फाइन ना? अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अभी मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला, नमस्ते बोला, आप लोग भी घर पे कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है या जैसे ही स्कूल में टीचर्स आते हैं या क्लास में मैम आती हैं तो आप लोग विश करते हो ना, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे करके, है ना। तो ये सब ऐसे ही, जैसे मान लो हमारे से किसी की कोई चीज़ टूट जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए? हम उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, है ना, सॉरी बोलते हैं। हमसे कोई गलती हो जाती है और उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी। तो इसीलिए आज हम कुछ, ये सब चीज़ें क्या थी जो अभी बता रही थी, ये सब हमारे गुड मैनर्स हैं। क्या हैं? गुड मैनर्स। ये हमारे अच्छे तौर तरीके हैं जिससे पता चलता है कि हम लोगों ने अच्छे से एजुकेशन ली हुई है, हम लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं और हम लोगों ने अच्छी चीज़ें सीख रखी हैं और ये हमारी अच्छी आदतें भी हैं, ये हमारी हैबिट्स भी हैं कि हमने अच्छे अपने आप को बना रखा है, अच्छी आदतें हैं हमारे अंदर। तो आज मैं आपको कुछ गुड मैनर्स बता रही हूँ जो आप लोगों ने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं और अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ रहती है, अच्छी रहती है और हम लोगों को हर कोई पसंद करता है, उनको अच्छा लगता है कि इन बच्चों में कितने अच्छे मैनर्स हैं। देखो, कोई भी बच्चा अगर अच्छे से किसी से बात करता है तो सबको अच्छा लगता है, हर किसी का मन करता है उससे बात करने का, और अगर बच्चे से गलती हो जाए, वो उसके लिए माफ़ी मांगे तो कितनी भी बड़ी गलती हो सामने वाला उसको माफ़ कर देता है। तो इसीलिए आओ चलो सीखते हैं गुड मैनर्स। बेटा ये हैं कुछ गुड मैनर्स। इसमें ये देखो, ये क्या लिखा है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मीन्स कि किसी चीज़ के लिए जब हम किसी को बोलते हैं पीछे से या किसी चीज़ के लिए, कई बार आपने देखा होगा आप लोग बाहर जाते हैं, हम कहीं से थोड़ा क्रॉस करना चाहते हैं और हमारे सामने कोई बच्चा खड़ा है या कोई बड़ा खड़ा है और हम उसको क्रॉस करके साइड से जाना चाहते हैं और जगह नहीं मिल पा रही है तो हम उनको क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज़ मी, कि मुझे माफ़ करें, मैंने आपको मतलब डिस्टर्ब कर दिया, हमने उन लोगों को बीच में, वो कुछ काम कर रहे हैं या खड़े हैं, ध्यान नहीं है, हम उनका ध्यान भटका देते हैं इधर उधर, तो हम उनको बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना, और उनका ध्यान फिर हमारी तरफ जाता है। और अगर हम पहले ही उनसे बोल रहे हैं मुझे माफ़ करना, है ना, तो वो हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं और अच्छा भी लगता है। और अगर हम उसको धक्का मुक्की करके निकलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए हम किसी को राह चलते इंसान को बोलना चाहते हैं, हमें कहीं जाना है, हम उस जगह को पता करना चाहते हैं, तो हम उसको बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, आप प्लीज़ मुझे ये एड्रेस बता देंगे, है ना। तो ये हमारा एक गुड मैनर है। देन ये देखिए, मे आई, मे आई, एम ए वाई, मे आई, आई मतलब मैं। तो मे आई का मतलब क्या है इसमें बेटा? कि कोई भी काम जब हो रहा है तो हम उसको ये बोलें कि क्या मैं आपकी हेल्प करूं, क्या ये काम मैं करूं, तो मे आई, मैं करूं इस चीज़ की। देन आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मतलब कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करना। जब कोई भी चीज़ हमसे हो जाती है, अभी जैसे मैंने बताया कि मान लो हमसे किसी की कोई चीज़ टूट जाती है, अब आप स्कूल में हैं, किसी बच्चे की पेंसिल आपसे गुम हो गई, वो बच्चा आपकी शिकायत लगा रहे हैं या वो बच्चा आपसे मांग रहा है मुझे मेरी पेंसिल वापस दो, आप उसको बोल सकते हो आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी दीदी, मेरे से आपकी पेंसिल गुम हो गई, तो वो आपसे नाराज़ नहीं होंगे और आपको माफ़ करेंगे, है ना। देन प्लीज़ हम किसी भी चीज़ के लिए, हमें कोई भी काम करना है, कोई चीज़ हम किसी से लेना चाहते हैं, तो अगर हम उनको प्लीज़ कह के बोलेंगे, यानी कृपा करके, तो मेरे ऊपर कृपा करो मुझे, यानी कि मैं जैसे बोलती हूँ कि मुझे एक ग्लास पानी दे दो, तो प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो कि मुझे प्लीज़ कृपा मुझे एक ग्लास पानी दे दो, है ना। तो उसमें हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। तो कोई भी काम अगर हम किसी से कराना चाहते हैं तो प्लीज़ लगा के अगर बोलते हैं तो उसे अच्छा महसूस होता है, हम उसको एक तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं उसकी, और हमें ये गुड मैनर अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। नहीं बेटा, थैंक यू, थैंक यू तो आप लोग बहुत बोलते हैं बच्चे, है ना, जब भी कोई हमारा
काम करता है या कोई हमें कोई चीज़ देता है, कोई भी चीज़ जो हमें अच्छी लगती है, तो हम उसके वो चीज़ करने के बाद उसको वापस में उसको क्या बोलते हैं, थैंक यू, है ना, कि आपका धन्यवाद, आपने ये चीज़ की मेरे लिए ला के दिया। किसी भी चीज़ के लिए कोई गिफ्ट देता है या वैसे भी कोई भी हमारा काम करता है तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू, है ना, आपका धन्यवाद। और जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो सामने वाले को क्या बोलना चाहिए, क्या गुड मैनर है, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यानी कि आपका स्वागत है, कि हम आपका स्वागत करते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे से भी मुझे किसी भी काम के लिए बोल सकते हो, ये मेरा इट्स माई प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, यू आर वेलकम, कि आपका स्वागत है, आप इस चीज़ के लिए कोई बात नहीं, आपने थैंक यू बोला है, अच्छी बात है, लेकिन वो भी सामने से बोलेगा, तो इस तरीके के ये सब क्या है, गुड मैनर्स, अच्छी बातें हैं, आपको इन सबको अपनी लाइफ में अपनाना है और सीखना है। और आगे से जब भी कोई चीज़ हो, आपको कोई आपसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी बोलेंगे, किसी को पीछे से टोक रहे हैं तो एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे, कोई आपका काम करता है थैंक यू बोलेंगे, है ना, किसी की मदद आप करना चाहते हैं तो मैं आए मैं कर सकता हूँ आपके लिए काम, उससे पूछना है ना, यू आर वेलकम, ये सब आपने गुड मैनर्स सीखने हैं और लाइफ में अपनाने हैं। ओके, गुड बॉयज़, गुड गर्ल्स एंड गुड स्टूडेंट्स।